लेकिन हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि हम मछली मारना भी जानते हैं और राजनीति भी करना जानते हैं और अपना हक अधिकार के लिए संघर्ष करना भी जानते हैं। जो बात 3 महीना पहले कंफर्म हो चुका था उस बात में भी संशय उन्होंने रखा। अंतिम समय में हमारे गठबंधन टूटा और फिर मैं बाहर निकल गया अकेले लड़ाई लड़ने के लिए और हमारी ताकत को देखकर एनडीए ने डरा कि मुकेश सहनी अगर अकेले पूरे बिहार में लड़ जाएगा तो हमें 100 सीट चुका चुनाव हरा दे और जब हराएंगे तो हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे और आनंद फानन में निशा समाज का शक्ति वीआईपी पार्टी के ताकत देखकर 11 सीट और 1 एमएनसी देने का वादा किया और उस समय में मैं भी बीच मझधार में था, हमें भी किनारा लगना था और हमने तो उनके साथ पार्टनरशिप किया, हमारा विचारधारा तो हमारा है ही, हमने उनके साथ गठबंधन करके बिहार के राजनीति में हम खड़ा हुए और आपने देखा कि शानदार हमारे पार्टी का उपलब्धि हुआ, बिहार के जनता ने सुई का कांटा उस मोड़ पे ला दिया जिस मोड़ पर वीआईपी पार्टी के बगैर किसी का कल्याण नहीं होना है। एनडीए में वीआईपी पार्टी को छोड़ देंगे तो 121 विधायक का समर्थन था और 122 में सरकार बनता है और 4 मिलेगा तो 125 होगा और जब 125 होगा तो बिहार में एनडीए की सरकार बनता और हमने ईमानदारी का परिचय दिया। हमारे पास तो लोगों ने ऑफर किया कि आप आइए डिप्टी सीएम बन जाइए, आप आइए आपके चारों विधायक को मंत्री बना देते हैं, आप हमारे साथ आ जाइए, 12 को राज्यपाल कोटा से एमएलसी होगा, 6 को आप ले लीजिएगा, 6 को माजी जी ले लेंगे, आप हमारे साथ आइए। लेकिन हम निषाद का बेटा है, एकलव के वंशज हैं, फूलन देवी के वंशज हैं, वीर एकलव के वंशज हैं, जुब्बा सानी के वंशज हैं, हमने ईमानदारी का परिचय दिया और ईमानदारी में उनके साथ रहा और हमने सरकार बनाया और बिहार में पहली बार एक मछली मारने वाला निषाद का बेटा के सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बना। अगर उस रोज मैं नहीं चाहता तो बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार नहीं बनते। ये ताकत पहली बार एक निषाद के पास आए, लोग तो मानते थे, जानते थे, सोचते थे कि निषाद मतलब ये मछली मारने के लिए आता, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। लेकिन हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि हम मछली मारना भी जानते हैं और राजनीति भी करना जानते हैं और अपना हक अधिकार के लिए संघर्ष करना भी जानते हैं और मैंने संघर्ष करके उनके साथ रहा। फिर मैं काम करने लगा कि भाई आपने चुनाव से पहले 19 लाख युवा के रोजगार की बात किया तो 19 लाख युवा को रोजगार दीजिए। जो हमारे समाज के समस्या था पूरे बिहार में जलकर तालाब दूसरे लोग अतिक्रमण कर रहे हैं उसको बाउंड्री वॉल कराना है, बिहार में तमाम इशू है उसको दूर करना है और उन्होंने देखा कि मुकेश सहनी बहुत तेजी से युवा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसको रोको। ये थोड़ा दिन क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में पार्टी विस्तार कर लिया, झारखंड में पार्टी विस्तार कर लिया, पूरे बिहार में अपने विभाग के द्वारा योजना ला रहे हैं जिसमें पूरा बिहार का ये हीरो बन जाएगा और जिस रोज ये हीरो हो जाएगा, आज 11 सीट देना पड़ता है कल 51 सीट देना पड़ेगा, इनको भटकाओ, इनको खत्म करो। फिर उनका निर्णय आया प्रपोजल कि आप पार्टी विलय कर लीजिए, मंत्री बने रहिए और 2025 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो हमने कहा भैया हमारे जो पार्टी का उत्पत्ति हुआ निषाद समाज को आरक्षण को लेके, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो संविधान बनाया वो संविधान को आप पालन कीजिए, अगर हमारे समाज को अगर बंगाल में निषाद को अगर आरक्षण मिल रहा है तो आप बिहार में दीजिए, अगर निषाद को दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है तो आप बिहार में दीजिए, लेकिन आप नहीं दे सकते हैं तो हम पार्टी विलय नहीं करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और फिर उन्होंने देखा कि आगे बढ़ेगा, इससे अच्छा इसका पार्टी का विधायक को खरीद लो, तो उन्होंने विधायक को खरीद लिया। विधायक खरीद लिया तो मुकेश सहनी की आवश्यकता नहीं है, मुकेश सहनी को सरकार से बाहर कर दो ताकि ये पॉपुलर ना हो सके, अगर ये विभाग में रहेंगे काम करेंगे तो लोगों के बीच में हीरो बनेंगे और जब हीरो बनेंगे तो इनके सामने हमको झुकना पड़ेगा, जैसे 15-20 साल से माननीय नीतीश कुमार जी के पीछे पीछे बीजेपी को घूमना पड़ता है उसी तरीके से मुकेश सहनी के पीछे घूमना पड़ेगा। और फिर उन्होंने हमें सरकार से बाहर किया, उस सरकार से जो सरकार हमने बनाया, हमारे खून पसीने से सरकार बना,
हमारे घर से हमें बाहर किया। खैर कोई बात नहीं, उनके पास ताकत है, वो हमें बाहर किए, लेकिन मेरे पास भी एक ताकत है कि हम युवा हैं, 35 साल उम्र बचा है और लोगों के साथ संघर्ष करेंगे। जो काम वो कह रहा है कि हम करेंगे, वो काम तो हम भी कर सकते हैं। अगर पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता के बीच में हर जाति समूह के पास जाएंगे, उनके साथ भाईचारा करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, तो निश्चित तौर पे साथ में आएंगे। और एक दिन आएगा कि आज हमने 4 विधायक बनाया, एक समय आएगा 40 बनेगा और एक समय आएगा कि 125 बनेगा और अपने दम पर हम अपनी सरकार बनाएंगे। और मैं संघर्ष करने के लिए निकल गया। आज अगर मैं चाहता अपनी जिंदगी जीना रहता तो मुंबई को जिंदगी को छोड़कर बिहार नहीं आता, ऐशोआराम की जिंदगी जीता। बिहार में ही आज जो रोड पे घूम के संघर्ष कर रहे हैं, भाजपा का बात मान लेता, उनके गोद में बैठ जाता और बेहतर जिंदगी जीता और मंत्री बन के पूरे बिहार में घूमते रहता। लेकिन हमने वो चीज को त्याग किया। हमारा किरदार ये है, हम संघर्ष करने के लिए आपके बीच में आए, आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए, ना ही कि अपने लिए। आज देखिए बिहार में क्या हो रहा है। लालू जी भी एक काम किए, 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनका एक अपना किरदार है जिस तरीके से बिहार में काम किए। उस किरदार में कहीं ना कहीं गिरावट आया तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में आके काम किए और 2012 तक अच्छा काम किए। और 2012 के बाद देखिए 2022 है, 10 साल हो गया। और 10 साल में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में दोनों में आपस में लड़ाई है कि एक नंबर का कुर्सी पर कौन बैठेगा। उसको बिहार का फिक्र नहीं है। अगर बिहार का फिक्र होता तो आपस में लड़ाई नहीं करता। आप सबको पता है कि पहली बार मोदी जी को खाने पे बुलाकर उनको मना कर दिया गया, तब से जो लड़ाई चला है आज तक लड़ाई चल रहा है। आप कुर्सी पर पकड़ के बैठे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं। आप इधर हैं तो सरकार बनाएंगे, उधर जाएंगे तो सरकार बनाएंगे। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपये से 1200 रुपये स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहे, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, चैनल को प्यार और देते रहिए अपना साथ। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।